हैशटैग बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, चमाइला, बस ये सब ही ट्रेंड करने पे उतर आए हैं लोग। पता नहीं कौन सा हजमूला चाट के नशा करते। खैर छोड़ो, हम सीधा अपने टॉपिक पे आते। ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर 15 जून को ड्रॉप हुआ था और मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया और होप करता हूँ कि ये फिल्म भी अच्छी हो। एक्सपेक्टेशंस बहुत थे इस फिल्म से मुझे। वीएफएक्स को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ, बहुत चीप लग रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, और बहुत सारे लोग तो मार्वल से भी कंपेयर कर रहा है, कह रहा है कि ये थोर का कॉपी है। और अब कैसे समझाएं आपको कि बजरंगबली जी ने पहले गदा उठाया था, ना कि थोर ने, और ये नागस्त्र ग्रीन एरो का कॉपी नहीं है। और जो लोग वीएफएक्स को लेकर उंगली कर रहे हैं उन्हें शायद वीएफएक्स का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम, बट ट्रेन के चलते कूद पड़ते हैं भेड़ चाल में। जो वीएफएक्स शॉट्स है वो ओवर सिचुएटेड जरूर है और इस मूवी के थीम के अनुसार जज भी रहा है और मुझे अच्छा लगा। खैर एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन। चमाइला इंग्लिश बोल दिया रे मैं। ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्म द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है जिसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। और इस फिल्म में इसी अस्त्र के अत्यंत शक्ति को फिल्म के एंटागोनिस्ट जुनून, जिसे मोनी रॉय प्ले कर रही है, वो प्राप्त करना चाहती है। और शिवा कैसे रोकेगा जुनून को, इसी के अराउंड ये फिल्म का प्लॉट है। पर मुझे लगता है कि मेन विलेन कोई और ही होगा जो ये कैरेक्टर हो सकता है। मुझे सबसे ज्यादा नंदी का कैरेक्टर, जिसे नागार्जुना जी प्ले कर रहे हैं, वो पसंद आया। और उनका वॉइस इतना भारी भरकम है कि सुनने में बहुत मजा आया। शिवा खुद एक अस्त्र है, ये पता चलता है इस ट्रेलर पे। और भी बहुत सारे अस्त्रों को दिखाया गया है जो फिल्म में अच्छे से देखने मिलेगा। हमारे एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर और गॉड्स के पावर को अगर अच्छे से दिखाया जाएगा इस फिल्म में, फिर तो बहुत मजा आएगा देखने में। होप करता हूँ कि जितना सारा एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से वो ओवरराइड कर जाए। बचपन में जब हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पौराणिक कथाओं को बताते थे, तब मन ही मन सोचता था कि अगर उन कैरेक्टर्स को, उन कैरेक्टर्स के पावर्स को कोई बिग स्क्रीन में देखने मिले तो कितना अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। क्या आप लोग है? अगर है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।